चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपना चैनल एवी सिंह पटेल पे। आज 23 फरवरी 2020 के करंट की क्लास। तो दोस्तों, 23 फरवरी 2020 की करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए कि दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, कम पढ़िए और सॉलिड पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सी संस्थाएं होती हैं जो इंडेक्स जारी करती हैं, तो उसी तरीके से एक इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में भारत को 35वां स्थान मिला है, भारत को 35वां स्थान मिला है, और फर्स्ट रैंक मिला है या फर्स्ट स्थान मिला है तो फिनलैंड देश को। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में भारत देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है, यानी वह कौन सा देश है जहां के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में भारत देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया है। तो दोस्तों, वह देश है मेडागास्कर। ध्यान रखिएगा, अब मेडागास्कर की बात हो रही है तो मेडागास्कर को देख लेते हैं, यह किस महाद्वीप में है। यह अफ्रीका महाद्वीप में है, और यहाँ की जो राजधानी है एटनानेरियो है, और यहाँ के राष्ट्रपति आंद्री राजाई नील यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, वह भारतीय जिसे अमेरिका के अपील कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि बहुत सारे भारतीय हैं जो विदेशों में बहुत बड़े बड़े पदों पे नियुक्त हैं, उसी क्रम में अमेरिका के कोर्ट में, यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोर्ट में, वहाँ का यह अपील कोर्ट है, अपील कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, श्री श्रीनिवासन। अब लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन देश रहा है। तो ये जो विश्व सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पे जो देश रहा है वो है दोस्तों नॉर्वे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, और नॉर्वे की राजधानी, अब चूंकि बात आ रही है नॉर्वे की तो हम लोग देख लेते हैं। नॉर्वे यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है, और इसकी राजधानी ओस्लो है, और यहाँ के पीएम है अर्ना सोलबर्ग यहाँ के पीएम है। अब चूंकि बात आ रही है, ये जो इंडेक्स है इसे WHO और यूनिसेफ ने जारी किया है संयुक्त रूप से, तो हम बात करते हैं इस इंडेक्स की, और इसे जारी करने वाले जो संस्थाएं हैं WHO और यूनिसेफ, तो हम बात कर लेते हैं यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं हेनरी टाफोर। दोस्तों, आप लोग अध्यक्ष को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में इन संस्थाओं के अध्यक्ष को पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं हेनरीटा फोर, ठीक, इसके अध्यक्ष हैं। अब बात हो रही है WHO की, तो WHO की स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा में है, और इसके जो अध्यक्ष हैं
वर्तमान में टेट्रोस एड्रेनेम, टेट्रोस एड्रेनेम है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि टेट्रोस एड्रेनेम कहाँ के अध्यक्ष हैं, किस संस्था के अध्यक्ष हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र संसद का हाल ही में आयोजन कहाँ किया गया। तो भारतीय छात्र संसद का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया। तो नई दिल्ली जानते ही हैं, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अभी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है। नई दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नियुक्त हुए हैं और आपको नई दिल्ली की जो लोकसभा है वहाँ 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं और नई दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव, पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहला भारत पर्यटन बांग्ला, भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। तो त्रिपुरा में पहले भारत बांग्ला महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो बात हो रही है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और त्रिपुरा के वर्तमान सीएम बिरजन कुमार देव हैं, विप्लव कुमार देव हैं, देव हैं। तो त्रिपुरा के वर्तमान सीएम विप्लव कुमार देव हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं रमेश वैश्य हैं। तो ठीक है दोस्तों, और त्रिपुरा राज्य से एक और विशेषता जुड़ी है, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है कि त्रिपुरा राज्य वो